हाई एवरी वन माई नेम इस तमन्ना चौधरी वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई एम अ फिजिक्स मास्टर ऑन एन अकेडमी फॉर नीट यू जी और बड़ी इंपॉर्टेंट सी छोटी सी वीडियो है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू अस्पायरेंट्स के लिए बिकॉज हर अस्पायरेंट की तरह जब भी एग्जाम पास में आता जाता है हमारा ब्रेन विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ आर ओन रीजनस ढूंढने लग जाता है टू फील डीमोटिवेटेड कुछ बच्चे हार मान जाते हैं और उस डीमोटिवेशन को एज अ रूल की तरह ले लेते हैं कि डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो वी आर ओबलाइज और आई कैन से वी आर इट इज ओके फॉर अस टू नॉट वर्क लेकिन कुछ बच्चे उस डीमोटिवेशन में भी काम करके डीमोटिवेशन में भी पढ़ते हैं डीमोटिवेशन में भी टेस्ट देते हैं और डीमोटिवेटेड फील कर करके ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी नीट क्रैक कर लेते हैं तो मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ मोटिवेट uh, करने के लिए लेकिन अबके बार मैंने सोचा रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई करते हैं कि मैं तुम्हें खुद से पाँच रीज़न दे देती हूँ पांच सबसे बड़े रीजन कि तुम्हें डीमोटिवेटेड फील होना चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड लेट मी नो हाउ यू फील आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन तो यार सही सही बताऊँ तुम्हारे पास पाँच रीजन है और हैं रीजन डीमोटिवेटेड फील होने के सबसे पहला रीजन ये है कि तुमसे पहले नहीं हुआ ठीक है तुम्हारी लाइफ के पहले इससे अभी जो पेज चल रहा है इससे पहले वाले पेज पे फेलियर लिखा हुआ है तो बिकॉज तुमने पहले फेल किया है भले ही हार्डवर्क और नॉलेज ऐसी चीज है जो हमेशा एब्सोल्यूट एरर्स की तरह बिहेव करके एड ही होती है तो और भले ही तुम्हारी अब की बार प्रिपरेशन पिछली प्रिपरेशन से ज़्यादा है भले तुमने अब की बार पिछले साल से ज्यादा मेहनत करी है भले इस साल तुम ज्यादा सीरियस हो अपने ड्रीम को लेके और नीट क्रैक करने को लेके जितना तुम पिछले साल थे लेकिन जस्ट बिकॉज तुम्हारा तुम्हारे पास्ट में फेलियर लिखा हुआ है तो डीमोटिवेट हो जाओ तुम इसीलिए भी डीमोटिवेट हो जाओ बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है भले तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास और तुम्हारे पास सेम घंटे हैं एक दिन में चौबीस सेम दिन एग्जाम होगा सत्रह जुलाई सेम नंबर ऑफ चैप्टर्स है अ, सिलेबस ऑफ द एग्जाम में नाइन्टी एट लेकिन जस्ट बिकॉज तुम्हारा कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हें डिमोटिवेटेड फील होना ही चाहिए भले ही तुम हर मिनट हर घंटे हर दिन हर महीने एक चॉइस बना सकते हो यू कैन मेक अ चॉइस टू आउट परफॉर्म योर कॉम्पिटेटर बट फिर भी कॉम्पिटिटर की एग्जिस्टेंस है तो उस एग्जिस्टेंस की वजह से डिमोटिवेशन होनी चाहिए तुम इसीलिए भी तो डिमोटिवेटेड क्योंकि तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तुम टेस्ट देते हो तुम मेहनत करते हो ये सोच के कि मार्क्स बढ़ेंगे मार्क्स बढ़ेंगे मार्क्स बढ़ने की वजह से मोटिवेशन आएगा लेकिन एक बार टेस्ट दिया मार्क्स नहीं बढ़े दो बार टेस्ट दिया मार्क्स नहीं बढ़े तीन बार टेस्ट दिया मार्क्स नहीं बढ़े तो ये जो मॉन्स्टर है मार्क्स का ये तुम्हें बार बार मात दे रहा है मात दे रहा है मात दे रहा है लेकिन तुम हार नहीं मान रहे हो तुम अब भी उस मॉन्स्टर की आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हो कि आज नहीं तो कल तुझे तुम्हें हरा के रहूंगे लेकिन जस्ट बिकॉज वो मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता है एक ऐसे योद्धा के आगे तुम जो हार नहीं मानता है एंड ही और शी कम्स बैक स्ट्रोंगर व्हाट्स एवर भले ही ये सीन है लेकिन फिर भी मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता है तो मॉन्स्टर की एग्जिस्टेंस से डिमोटिवेशन तो आनी चाहिए यार इट मेक्स परफेक्ट सेंस में समझ रही हूं तुम्हारी बात चौथा रीजन तुम्हारे पास ये है कि तुम्हारी सोशल लाइफ खत्म हो गई है इसीलिए डिमोटिवेटेड फील होता है तुम और अपने फ्रेंड्स को देखते हो यहाँ घूमने चले गए वहाँ घूमने चले गए ठीक है नाइट आउट कर लिया या फिर मूवी पे चले गए तुम्हें यहाँ पर फैमिली फंक्शन में जाने से पहले एक बार सोचना पड़ता है कि कभी तुमने जितना एक वीक में सोचा है तुम कवर करोगे कहीं तुम्हारा पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब ना हो जाए है ना तो ये तो डिमोटिवेटेड फील करने की बात है भले ही यही वो सोशल लोग हैं जिनके ऊपर तुम डायरेक्ट इम्पैक्ट करके इस देश को आगे लेके जा सकते हो अगर तुम डॉक्टर बन गए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी लेकिन जस्ट बिकॉज़ तुम सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स को जिनको फन बोला जाता है या फिर जिनको चिल करना बोला जाता है जस्ट बिकॉज़ तुम उन सोशल नॉर्म्स को जिनको मैं तो बोलूँगी टाइम वेस्ट करना इफ यू आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस जस्ट बिकॉज़ तुम उन पे अबाइड नहीं कर पा रहे हो तो डीमोटिवेट हो जाओ क्या यार कठपुतली नहीं हो तुम लोग क्यों कठपुतली नहीं हो तुम लोग तुम तो इसीलिए भी डिमोटिवेटेड हो जाओ क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है तुम्हारे पास जिम्मेदारी है खुद को खुद के सामने प्रूव करने की खुद को दूसरों के सामने प्रूव करने की तुम्हारी फैमिली को आगे लेके जाने की तुम्हारे देश को आगे लेके जाने की तुम्हारे पास जिम्मेदारी है तो इस जिम्मेदारी की एग्जिस्टेंस की वजह से डिमोटिवेशन तो होनी चाहिए यार क्योंकि डर लगता है इतने हमारे छोटे से कंधे इनके ऊपर इतने बड़े बड़े पहाड़ हम कैसे लेके चलेंगे भले ही वी आर दी सोल्जर जहां जिसने इतनी ज्यादा परसिस्टेंस इतनी ज्यादा ग्रिट इतनी ज्यादा ताकत इतना ज्यादा हौसला इतना ज्यादा होप दिखाया है पास्ट में कि देर आर हाई चांसेस वेरी वेरी हाई चांसेस कि तुम कर जाओगे जो भी तुम चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा लेकिन जस्ट बिकॉज वो जिम्मेदारी का डर है या डर लगता है फेलियर से तो उस डर की वजह से डिमोटिवेट फील हो जाओ डिमोटिवेट हो जाओ यार इट मेक्स सो मच सेंस दैट वी आर फीलिंग डीमोटिवेटेड और यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हर्डल जिसको तुम ऐसे खत्म कर सकते हो लेकिन सही बात है यार हर्डल्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए वाई इज लाइफ नॉट अ पॉजिटिव स्लो पूरा ऐसे होना चाहिए है <laughs> ना लेकिन लाइफ ऐसा स्लोप तो है ही नहीं कभी थिंग्स आर मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क योर वे ठीक है बट यू कैन ऑलवेज यू नो आउट परफॉर्म इन एनी गिवन सिचुएशन इफ यू सिंपली डू नॉट गिव अप जो आई एम वेरी श्योर तुम लोग नहीं करोगे लेकिन फिर यार प्रॉब्लम्स क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं डीमोटिवेटेड तो फील होना चाहिए सो गाइस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो हैप्पी डीमोटिवेशन